नमस्कार, न्यूज वाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग अग्निहोत्री। आज जो पॉलिटिक्स के गलियारे की सबसे बड़ी खबर आई है वो ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने महाराष्ट्र और हरियाणा में जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं उनकी तारीख की घोषणा तय कर ली है। उन्होंने कहा है कि 21 अक्टूबर को चुनाव की तारीख घोषित की गई है और जिसका नतीजा जो है वो चुनाव के कुछ दिन बाद ही 24 अक्टूबर को आने वाला है। हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ ही साथ उन्होंने बिहार में 5 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव की भी घोषणा तय की। उन्होंने कहा है कि बिहार में भी जो 5 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं वो 21 अक्टूबर को ही होगी और रिजल्ट भी महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ साथ ही 24 अक्टूबर को आएगा। आपको बता दें कि बिहार में जो 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने वाले हैं इन 5ों के प्रत्याशी जो भूतपूर्व विजेता प्रत्याशी थे वो 2019 के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे थे जहां 5 में से 5ों को सफलता हासिल हुई थी और उसके बाद से ही वो 5ों प्रत्याशी विधानसभा में अपना त्यागपत्र सौंप चुके थे। तो अब देखना ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है कि बिहार में उपचुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र और हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने हैं तो इस पर सुरक्षा का क्या माहौल रहता है, सुरक्षा किस तरह की दी जाती है चुनाव आयोग के द्वारा, कैसे इंतजाम किए जाते हैं। तो इस पर भी सुनील अरोड़ा ने बयान दिया है कि सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे, भारी मात्रा में सुरक्षा बल हर बूथ पर मौजूद रहेंगे, बूथ कैप्चरिंग की जो संभावनाएँ होती है उससे निपटने का भरसक प्रयास किया जाएगा सुरक्षा बलों द्वारा। तो खबरों में बने रहने के लिए न्यूज फॉर भारत को देखते रहे और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। धन्यवाद।